हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमएन इंस्टीट्यूट। मैं खान सर। आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, पार्ट फोर्थ करेंगे बेटा। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड भी कराया और क्वेश्चन नंबर थर्ड के जो थर्ड पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो भी करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो बेटा उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उससे जरूर करें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कहता है, इसके पार्ट फोर में ये कहता है बेटा, जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में बताया थे आपको कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यानी कि इसमें आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बताना है कि जो नीचे आपके लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं इनमें से कौन से कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। क्लियर? तो मैंने इससे पहले आपको बता रखा कंसिस्टेंट कौन से होते हैं और इनकंसिस्टेंट कौन से होते हैं। तो जो पैरेलल होगा वो आपका इनकंसिस्टेंट होगा, और जो इंटरसेक्ट होकर करेगा और जो कोइंसिडेंट होगा वो आपका कंसिस्टेंट होगा। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बेटा। फोर्थ पार्ट में आप देख सकते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। जैसे मैंने पहले आपको बता रखा था, अगर फर्स्ट है आपका तो ये आपका A1 होगा, तो A1 आपके पास 5, B1 आपके पास -3 एंड C1 आपके पास है 11। देन सेम A2 इज इक्वल टू आपके पास है -10, B2 आपके पास है 6 एंड C2 आपके पास -22। तो अपने रखेंगे आप a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। क्लियर? तो आप यहां रखेंगे क्या होगा, 5/-10 इज इक्वल टू -3/6 इज इक्वल टू 11/-22। क्लियर है? तो आप देखेंगे यहां पे 5 × 5, 5 × 2 = 10, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22। तो आपके पास आया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, सब में माइनस है तो आप सब में माइनस लगाएंगे। माइनस बेटा ये कॉमन है दोनों के लिए, तो आप माइनस लगा सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं बेटा कि यहां पर क्या है कि ये तीनों ही इक्वल आ रहे हैं, है ना। तो जब तीनों ही इक्वल आते हैं तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि देखो यहां पर आपको दिया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये तीनों ही आपके इक्वल होते हैं तो ये आपके कोइंसिडेंट होते हैं, ठीक है। और कोइंसिडेंट होते हैं तो मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि कोइंसिडेंट की कंडीशंस में ये आपके कंसिस्टेंट होते हैं। क्लियर है? तो अब हमारा ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा कंसिस्टेंट, ठीक है। क्लियर? ये आपका आंसर, ठीक है। अब इसका है क्वेश्चन थर्ड का पार्ट फाइव है। पार्ट फाइव में देखेंगे ये, तो सेम इसको भी इसी तरह से करना है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये फाइव है तो आप देख सकते हैं ये आपका रेशन नंबर में है बट ये नहीं है, तो सबको एक जैसी फॉर्म में करते हैं। तो ये आपके पास अगर है तो हम इसको लिखेंगे 4/3 एक्स प्लस 2y/1 लगा सकते हैं, इज इक्वल टू 8 हो गया। तो ये 3/1 का एलसीएम क्या आएगा, 3/1 का एलसीएम 3 आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई तो 4x, और प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास हो जाएगा 2y/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 8। तो आप देखेंगे इसका कितना हो जाएगा, 4x प्लस 3×2 = 6y/3 इज इक्वल टू 8, 1/2 लगा देंगे अपनी तरफ से, क्रॉस मल्टीप्लाई ये आपको आता है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8×3 = 24। ये इक्वेशन क्या हो गया आपका फर्स्ट, और ये इक्वेशन क्या था आपका सेकंड। अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है तो ये a1 माना जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास a1 इक्वल टू 4, b1 इक्वल टू 6 एंड c1 इक्वल टू 24। बेटा बहुत आसान है ये थर्ड चैप्टर, कुछ नहीं, आप देख सकते हैं कितना आसान है, सारे बिल्कुल एक आपको समझ में आ गया, सभी आप उसको करते चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास इक्वेशन सेकंड है तो b1 आपके पास 2 हो गया, सॉरी
ए टू आपके पास टू हो गया, बी टू आपके पास थ्री हो जाएगा एंड सी टू आपके पास बेटा 12 हो जाएगा। क्लियर? तो अब हम इसको किसके फॉर्म में रखेंगे? हम इसको रखेंगे ए वन अपॉन में ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन में बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन में सी टू। तो आपके पास क्या आएगा, ये 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 24 अपॉन में 12। तो आप देख सकते हैं एक जैसे कट रहे हैं, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24। तो आपने क्या देखा, 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2, अपॉन में 1 लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है, ठीक है, वैसे लगाते नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, ये दोनों आपके ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। जब इक्वल हुआ तो सेम मैंने जस्ट अभी बताया था, ये तो आपके तीनों इक्वल थे ना, तो तीनों इक्वल हमने क्या बनाया, इसको कंसिस्टेंट बनाया। तो ये भी हमारा क्या बनेगा, ये भी हमारा कंसिस्टेंट बनेगा। तो आप यहां लिखेंगे इट इज अ कंसिस्टेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आया होगा। और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल MN इंस्टीट्यूट को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।